क्यूकुम्बर है, छोटा क्यूकुम्बर, इसको हम बंगाली में शोशा भी बोलते, खीरा भी बोलते, अगर पता नहीं आप लोग क्या बोलते, लेकिन बहुत ही मजेदार है खाने पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप, इट्स ओके भाई चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो अभी फिलहाल मैं अपने मौसी के घर में आया हूं। तो मौसी के घर से थोड़ी देर यहां पर एक बॉर्डर है, बांग्लादेश बॉर्डर है, तो मैं आप लोगों को बांग्लादेश का बॉर्डर दिखाऊंगा। यहां पर बीएसएफ कैंप है वो भी दिखाऊंगा, यहां पर बहुत ही अच्छा चाय का बगान है वो भी दिखाऊंगा। अभी मेरे साथ मेरे भाई लोग हैं, उनके साथ मैं जाऊंगा, तो वीडियो को देखते रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। तो अभी हम पैदल चल के जा रहे हैं। मैं पिछली बार अपने मौसी के घर आया था, मैं अपने भाई के साथ गया था, वो बॉर्डर में देखे, तब मैं वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन अभी आया हूँ तो सोचा बना लूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा शानदार व्यू है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी देखें, तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं हम बीएसएफ कैंप के थोड़ा करीब आ चुके हैं। हम बीएसएफ कैंप में जाएंगे और कैंप में वहाँ पे शिव मंदिर भी है, वहाँ तक भी पहुँचेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे वहाँ का नज़ारा। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ का कैंप के शिव मंदिर में। तो ये शिव मंदिर बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, यहाँ के जवान लोग यहाँ पर पूजा भी करते हैं, यहाँ पर पूजा होता है। और फिर यहाँ से एक बॉर्डर एरिया भी थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन आपको साफ साफ नहीं दिखाई देगा, मैं आपको बैक कैमरा से ठीक से दिखाऊंगा। तो मैं बताना चाहूंगा, पिछली बार जब मैं आया था यहाँ पर ये मंदिर पूरा वेल सेटल था, लेकिन अभी थोड़ा काम चल रहा है, टाइल्स वगैरह लगा रहे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा काम चल रहा है। अभी मैं आपको दिखाने वाला था, लेकिन ठीक है, मैंने आपको जितना तक दिखाया, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा। दोस्तों ये जो छोटा नदी दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसके लेफ्ट साइड में है बांग्लादेश और राइट साइड में हमारा इंडिया। मेरे भाई लोग चल रहे थे, मैं उनके पीछे पीछे वीडियो कर रहा था, तो मैं अभी थोड़ा स्लो हो गया हूँ, तो मुझे अभी भागना पड़ेगा उनका साथ लेने के लिए, तो आप देखते रहिए। तो घूमते घूमते यहाँ पर हम लोगों को एक और मंदिर मिल गया है, वो भी हम मैं दिखाना चाहूंगा, कि यहाँ पे बहुत ही चाय बगान के मिडिल में है, तो बहुत ही अच्छा नजारा आता है, वो भी आप देख लीजिए। तो ये मंदिर भी हम लोगों ने देख लिया है। अभी चलिए कुछ नया दिखाते हैं, कुछ नई जगह आप लोगों को दिखाते हैं। वो बॉर्डर एरिया हम लोग नहीं दिखा सकते, वो पता है ना, पूरे हिंदुस्तान का सेफ्टी का मामला है। तो फिर चलिए, बहुत ही अच्छा अच्छा नजारा है, उसके बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा पूरी तरह से, अब वीडियो में बने रहिए। तो भाई लोग अभी हम लोग यहाँ पर जो घूमने आए, आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को बताइए, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देख सकते हैं पीछे, यहाँ पर बनाना का थोड़ा ट्री है, ये जंगल में होता है, ये खास करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर आप लोगों को भी अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर बांग्लादेश का उस पार का एरिया है, मैं दिखा रहा हूँ, बॉर्डर एरिया आप लोगों को नहीं दिखाया, वहाँ का बांग्लादेश का जो घर है वो देखिए, आप लोग देख सकते हैं, और चाय बगान के बीच दो तीन घर दिखाई दे रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते देखते मेरे नज़र में एक और चीज़ आया है, यहाँ पर एक ट्रैप दिया हुआ है, ट्रैप लगाया हुआ है, पता नहीं किन लोगों ने लगाया है, ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये चावल फेंका गया है, और चावल के अंदर अगर पक्षी आके खाएगा तो कैसे इसको पकड़ेगा पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये ट्रैप लगाया हुआ है, वहाँ पे एक लाठी से ये रस्सी बांधा हुआ है। क्या भाई लाभ दे सकोगे? दोस्तों अभी हम लोग घर वापस लौट रहे, तो जाते जाते वो विलेज के रोड से यहाँ पर बहुत सारा अच्छा अच्छा तो सब्जी लगाया हुआ है बगान, वो भी मैं दिखाना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर फसल होता है। ये जगह है तारकपुर का, मेरे भाई लोग यहाँ पर थोड़ा पेड़ धो रहे, ये नज़र आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा।
ये हमारा मौसी का बगीचा है, यहाँ पर सब्जी वो लोग लगाते हैं और बहुत ही अच्छा अच्छा फसल होता है इस जगह पर। देख रहे हैं यहाँ पे मेरे भाई लोग बहुत ही मजा कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लोगों ने खाने के लिए चीज भी ले लिया है, ये बहुत बड़ा है, बहुत मजेदार है ये वाला खाने में, तो ये भी हम ले जा रहे हैं घर में, अभी खाएंगे। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत ही मजा है यहाँ पर, बहुत ही मजा आने वाला है। आप भी अगर किसी जगह पर घूम के गए या पर इस जगह पर आए तो कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जगह में और नए ब्लॉग के साथ। ये क्यूकुम्बर है, छोटा क्यूकुम्बर, इसको हम बंगाली में शोशा भी बोलते, खीरा भी बोलते, अगर पता नहीं आप लोग क्या बोलते, लेकिन बहुत ही मजेदार है खाने पर। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहाँ पर ही, हम लोगों ने बहुत जगह घुमा है, आप लोगों को दिखाया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। भाई ने बहुत मेहनत किया है।